नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। काशी के गंजारी में शिवालय रूपी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आधारशिला रखते ही काशीवासी गदगद हो उठे। महादेव की नगरी में स्टेडियम का डिजाइन स्वयं महादेव को समर्पित है। स्वागत के समय प्रधान सेवक ने कहा कि समय बदल रहा है, अब जो खेलेगा वही खेलेगा। हारा, हारा। अब देश का मिजाज ऐसा बना है, जो खेलेगा वही खिलेगा। तो इसी के साथ काशी में क्रिकेट के महासंकल्प की नींव पड़ गई। अब काशी में भी चौके छक्के लगाते देखिए। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मोदी का रिटर्न गिफ्ट है। पीएम मोदी ने जिस क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, उसके स्टेडियम में दर्शकों के लिए बैठने की व्यवस्था वाराणसी के घाटों की सीढ़ियों जैसी होगी। स्टेडियम के मुख्य बिल्डिंग भगवान शिव के डमरू की तरह डिजाइन किया गया है, यानी काशी में बनने वाले स्टेडियम में काशी की झलक होगी। पीएम मोदी ने इसकी खूबियों को चंद्रयान से कनेक्ट करते हुए इसे साबित भी किया। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था, एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। राजा तालाब के गंजारी में 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित होने वाले इस स्टेडियम को करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 330 करोड़ रुपए खर्च करेगा। वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। इसके 3 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, तब यहाँ खेलने वाला खिलता हुआ दिखाई देगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है, बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। स्टेडियम की खूबियों की माला में कई और मोती हैं। मसलन इसमें फ्लड लाइट्स, अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और सभी लेटेस्ट सुविधाओं वाला क्लब हाउस शामिल है। इस इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेटरों के लिए अलग से प्रैक्टिस ग्राउंड भी होगा। गंजारी में बनने जा रहे इस इंटरनेशनल स्टेडियम का थीम धार्मिक होगा। यह देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसके डिजाइन में भगवान शिव और उनकी नगरी काशी की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बेलपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन को भी विकसित किया जाएगा। इसके एंट्री गेट को भगवान शिव के अति प्रिय बेलपत्र की तरह डिजाइन किया जाएगा। स्टेडियम का बाहरी हिस्सा गंगा घाट की सीढ़ियों की तरह दिखेगा। देश के अन्य हिस्सों में बने स्टेडियम की तरह अब काशी भी क्रिकेट की पिच पर खेलता दिखेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में BCCI का भी बहुत सहयोग होगा। मैं BCCI के पदाधिकारियों का, काशी का MP होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते
मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। काशी में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम से सीएम योगी भी गदगद नजर आए। अपने संबोधन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम यूपी समेत पूर्वांचल और बिहार के खिलाड़ियों को आपस में जोड़ने का एक जरिया बनेगा। ये वाराणसी में पहले से ही स्मार्ट सिटी मिशन और भारत सरकार के सहयोग से एक स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। काशी में बनने वाला यह स्टेडियम कानपुर और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा जो दिसंबर 2025 तक खिलाड़ियों की किस्मत लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।